प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। असेंबली ऑफ बिलीवर चर्च नागपुर की ऑनलाइन सर्विस में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले कि हम आराधना में आगे बढ़े, मैं नोब्रिल भैया से विनती करती हूँ कि वो प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें, इसके बाद हम प्रार्थना में आगे बढ़ेंगे। लॉर्ड जीसस, हालेलुया, हालेलुया, तेरी स्तुति और तेरी प्रशंसा करते हैं मेरे राजा, मेरे पवित्र परमेश्वर खुदावन, तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आपने हमें जूतों की भूमि में रखा, yes, Lord, किस बात के लिए मैं खुदावन तेरा धन्यवाद करता हूँ। तेरी बड़ी बड़ी कल्पनाएं जो हमारे लिए है परमेश्वर, वो हमें सिद्ध होती हुई दिखाई दे रही है खुदावन परमेश्वर। तुमने, तू चाहता है खुदावन की हम तेरी उपासना, तू चाहता है खुदावन कि हम और खुदावन तुझ में आगे बढ़ते जाए खुदावन परमेश्वर। आज जहाँ परिस्थितियाँ अलग थी खुदावन परमेश्वर, बहुत से जो प्रियजन थे हमारे परमेश्वर वो हमको छोड़कर चले गए खुदावन, लेकिन खुदावन आपने हमें योग्य समझा खुदावन कि हम आपके आराधना और स्तुति करते जाए खुदावन, क्योंकि परमेश्वर हम तेरे ही है परमेश्वर। परमेश्वर हम जो गीत गाएंगे परमेश्वर, हमारी गले की आवाजों को खोल खुदावन परमेश्वर, कि बड़े सुंदर रीति से परमेश्वर हम तेरी आराधना और स्तुति कर सके खुदावन। और परमेश्वर जो जो भाई और बहन परमेश्वर, बड़े बुजुर्ग बच्चे हमको देख रहे हैं खुदावन परमेश्वर, वो भी हमारे साथ में अपनी गली की आवाजों को खोल कर सुनने, गीत गाने पाए परमेश्वर। और परमेश्वर के जीवन में खुदावन गंभीरता दे खुदावन परमेश्वर, कि बड़ी गंभीरता से खुदावन हम तेरी महिमा करने पाए, क्योंकि तू महिमा के योग्य परमेश्वर है, तू स्वर में विराजमान है। पवित्र आत्मा हम तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावन परमेश्वर, परमेश्वर हमें योग्य बना खुदावन परमेश्वर। ये छोटी सी विनती को उद्धार करता प्रभु यीशु नासरी के नाम से मैं मांगता हूँ, आप सुनिए, दिल से ग्रहण कीजिए, आमीन। तेरे जैसा न कोई हुआ, तेरे जैसा न कोई हुआ, तेरे जैसा न कोई होगा, तेरे जैसा न कोई होगा। मुझको तूने जिंदगी दी है, मेरे पापों से रिहा करके, मुझको तेरे
सबसे भला यीशु, तू है महान यीशु, तू सबसे भला, तेरे जैसा, तेरे जैसा न कोई हुआ, तेरे जैसा न कोई हुआ, मुझको छुपा अपने हाथों से, मुझको बना अपने साए में, अपने साए में मुझको छुपा अपने हाथों से, मुझको बना अपने हाथों से बना, चाक पर अपनी रख मुझे, रूप अपना यीशु दे मुझे, जलाल का अपने बर्तन बना, आकार दे अपने हाथों से, तेरी मर्जी हो पूरी मुझसे, एक ऐसी मशक को बना अपने साए में, मुझको छुपा अपने हाथों से, मुझको बना अपने साए में, मुझको छुपा अपने हाथों से, मुझको साए में खुदा, तेरा हाथ मैं कभी ना छोड़ूंगा, महफूज हूँ मैं तेरे साए में खुदा, तेरा हाथ मैं कभी ना छोड़ूंगा, अपने साए में मुझको छुपा अपने हाथों से, मुझको बना अपने साए में, अपने साए में मुझको छुपा अपने हाथों से, मुझको बना। हाँ खुदावन प्रभु जी, हमारी यही इच्छा है कि तू अपने हाथों से हमें बनाए, तू प्रभु अपने हाथों में हमें महफूज रखे परमेश्वर। हमें पता है जमाने में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हमें खा लेना मांगती हैं, जो हमें बर्बाद करना मांगती हैं, जो एक कोशिश करती हैं
कि किसी तरह से प्रभु जी हम आपसे दूर हो जाएं, पर परमेश्वर पिता हम धन्यवाद देते हैं कि हम आपके निकट पाए जाते हैं, इसलिए हम बचे हुए हैं परमेश्वर पिता। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं कि हम पर आपका हाथ है परमेश्वर पिता, इसलिए शत्रु हमें अपना शिकार नहीं बना पाया। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे प्राण को मृत्यु से बचाते हैं। प्रभु आप हमारी आँख को आंसू बहाने से बचाते हैं। प्रभु जी आप हमें ठोकरों से बचाते हैं परमेश्वर पिता। और खुद बाप यदि ठोकर लग भी जाए तो भी परमेश्वर पिता आप गिरने के बाद भी हम उठाने में सामर्थ्य हैं परमेश्वर पिता। खुद बाप आप हमें सिखाते हैं ताकि प्रभु जी हम अपने जीवन में अपनी इस मसीह दौड़ में प्रभु जी धीरज के साथ दौड़ते रहें और वो इनाम पाएं जो तूने अपने लोगों के लिए रखा है परमेश्वर पिता। खुद बाप आज की पूरी इबादत को हम तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं और विश्वास करते हैं कि जब हम एक मन एक चित होकर तेरी आराधना करते हैं प्रभु जी तू हमारे बीच में मौजूद होता है। प्रभु जी जब हम तेरे नाम को लेते हैं तो परिस्थितियाँ बदलती हैं परमेश्वर पिता। हम आज भी प्रभु जी इसी विश्वास के साथ तेरे सम्मुख बैठे हैं और इस बात का यकीन करते हैं कि प्रभु जी जो तेरे दर पर आता है, जो तेरी हुजूरी में आता है, वो कभी भी खाली हाथ नहीं लौटता। परमेश्वर पिता अपने घर से हर एक सुनने वाले को बरकत दे जो प्रभु जी हमारे साथ इस समय आराधना कर रहे हैं और जो लोग स्क्रीन के उस पार हमारे साथ आराधना कर रहे हैं। हर एक खानदान को तू अपनी बातों में, अपने वचन में, प्रभु जी अपनी उपस्थिति में बढ़ाते चला जा परमेश्वर पिता, ताकि हर एक परिवार तुझसे लिपटा रहे और प्रभु जी तेरी सेवा करता रहे। सारा आदर महिमा आपको देते यीशु मसीह के सामर्थ्य पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। खुशी देगी ये दर
प्रेज लॉर्ड, परमेश्वर की स्तुति हो। जय मसीह की। सभी चर्च फैमिली को आपका धन्यवाद आज के दिन ज्वाइन इन करने के लिए। परमेश्वर का धन्यवाद कि आज हम उसकी आराधना कर पा रहे हैं, और मेरे अंदर भी बहुत खुशी है कि जैसी सारी चीज़ें स्टार्ट हो रही है, हम साथ मिलकर परमेश्वर पिता की आराधना करने पाएंगे उसके भवन में, जहाँ हम सब मिलकर उसकी आराधना करने पाएंगे और उस आनंद को फिर से रिजॉइस करने पाएंगे जो हमारे उस हफ्ते को स्ट्रेंथन करता है। तो आइए इस वीक बस ये कुछ हफ्ते या कुछ दिन ऐसे ही निकालें, परंतु इसमें भी परमेश्वर का धन्यवाद कि इसमें भी उसकी आशीष कंटिन्यू ही रही है और उसने हमें उसके साथ बढ़ने का मौका दिया है। तो आइए परमेश्वर पिता की आराधना करें, क्योंकि वो इसके योग्य है, और आज के दिन के लिए उसका धन्यवाद करें।
तुझसे हटे नहीं प्रभु, क्योंकि ये तेरी करुणा है प्रभु, और तूने ही हमारे विश्वास को जिंदा रखा है, इसके लिए तेरा धन्यवाद प्रभु। पिता परमेश्वर, ये समय हमारे सबों के लिए पिता परमेश्वर बहुत कठिनाई भरा रहा, परंतु पिता परमेश्वर तूने हमें गाइड किया और पिता परमेश्वर हमें अपने विश्वास में और साहस में बनाए रखा, इसके लिए तेरा धन्यवाद प्रभु। तेरी आराधना करते हैं प्रभु और तेरा धन्यवाद करते हैं।
के सुबह से हम सब जब एक साथ प्रभु जी अपने घरों पर होकर प्रभु जी आपकी आराधना करते हैं, प्रभु जी आपकी महिमा करते हैं, प्रभु जी हम चाहते हैं प्रभु जी हम जब एक साथ हैं प्रभु जी और हम जब आराधना करते हैं प्रभु जी सारा आदर सारा महिमा प्रभु जी आपको मिले प्रभु जी। और प्रभु जी भले प्रभु जी हम मिल नहीं पा रहे प्रभु जी, बस प्रभु जी हम जिस माध्यम से मिल रहे हैं प्रभु जी आप करिएगा उसमें आशीष दीजिए प्रभु जी, हम जो भी कोशिश कर रहे हैं प्रभु जी आपकी आराधना दुआ करने की प्रभु जी आप प्रभु जी उसमें आशीष दीजिए प्रभु जी, और हम प्रभु जी और बरकत प्रभु जी उस चीज़ में दीजिए हमसे प्रार्थना करते रहो जी। प्रभु जी आगे वाले आने वाले प्रभु जी वचन को भी आपके सौंपते हैं प्रभु जी, पास्टर को भी सौंपते हैं प्रभु जी, आपके सारा आदर सारा महिमा प्रभु जी आपको देते हैं, सारा जलाल आपको देते प्रभु जी, इस छोटी सी मांगते हैं मिट्टी मसीह के नाम से आमीन। हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं आज की इबादत के लिए कि फिर से प्रभु ने मुझे और आपको मौका दिया कि हम मिलकर खुदावंत की उपस्थिति में समय बिता सकें, आराधना कर सकें और उसके वचनों के द्वारा आशीष प्राप्त कर सकें। खुदावंत का धन्यवाद देते हैं कि उसने न सिर्फ मुझ पर और आप पर अनुग्रह किया है कि आज का हम दिन देखने पाए, वरन सचमुच ये उसकी अपार कृपा है हमारे जीवन पर कि हम आज उसके कलाम को फिर से सुनने जा रहे हैं, क्योंकि जब कलाम का प्रकाशन हमारे बीच में खुलता है तो उसके द्वारा हम न सिर्फ सींचे जाते हैं पर हम उस परमेश्वर के लिए तैयार किए जाते हैं जिसने हमें अपनी बुलाहट में बुलाया है। आइए परमेश्वर के वचन में एक हिस्से में चलेंगे जो आपको मिलेगा यूहन्ना की इंजील उसका पहला अध्याय और उसकी 43वीं आयत से हम पढ़ेंगे, जॉन चैप्टर 1 वर्स 43। जी हाँ पढ़े। दूसरे दिन यीशु ने गलील को जाना चाहा, वह फिलिपुस से मिला और कहा मेरे पीछे हो ले। जी फिलिपुस अंद्रियास और पतरस के नगर बैसैदा का निवासी था। फिलिपुस नतनएल से मिला और उससे कहा जिसका वर्णन मूसा ने व्यवस्था में और भविष्यवक्ताओं ने किया है वह हमको मिल गया, वह यूसुफ का पुत्र नासरी है। जी यहाँ पर लिखा हुआ है फिलिपुस नतनएल से मिला और उसने जाकर बताया कि जिसका वर्णन भविष्यवक्ताओं की पुस्तक में है वो हमको मिल गया है, अर्थात कौन मिल गया है, यीशु नासरी मिल गया है। आगे लिखा हुआ नतनएल ने कुछ बात बोली। जी पढ़े। नतनएल ने उससे कहा क्या कोई अच्छी वस्तु भी नासरत से निकल सकती है, क्या कोई अच्छी वस्तु भी नासरत से निकल सकती है। जी फिलिपुस ने उससे कहा चलकर देख ले। हालेलुया, आज की सुबह मैं आपको इसी कलाम के द्वारा उभारना चाहता हूँ और मैं विश्वास करता हूँ कि जब परमेश्वर किसी भी ऐसी वस्तु को, किसी भी ऐसी जगह को, किसी भी ऐसे शख्स को जिसकी शायद लोग वर्थ नहीं समझते, जिसकी शायद लोग वैल्यू नहीं करते, नासरत एक बहुत छोटा सा शहर था जो इज़राइल का शहर है, एक बहुत छोटा सा शहर है नासरत, जहाँ हम देखते हैं यीशु मसीह के विषय में लिखा गया है और नतनएल इस बात को बोल रहा है क्या नासरत में से भी कोई अच्छी वस्तु निकल सकती है। नासरत जो ये शब्द है अगर हम ग्रीक में देखें उसकी मीनिंग को तो वहाँ पर हमें पता चलता है इट इज़ कॉल्ड लाइक अ ब्रांच, एक डाली के रूप में उसे बताया गया है, एक ब्रांच के रूप में उसे बताया गया है। जब हम इस नासरत शब्द को समझते हैं, यीशु नासरी ये शब्द काफ़ी बार नए ऐदनामे में न्यू टेस्टमेंट में पाया गया है और यीशु नासरी के नाम से यीशु मसीह को संबोधित किया गया और ये उनकी एक पहचान बन गई थी कि यीशु नासरी आ रहा है ना। जैसे हम बहुत से लोगों को चाहे वो क्रिकेटर हों चाहे वो कोई भी हों, अलग अलग फील्ड में लोग काम करते हैं, हम उनके शहर से उन्हें जानते हैं। जैसे हमारे पास्टर अमित कामले हैं, बहुत से लोग उन्हें जानते हैं कि वो कौन से शहर से है ना, तो उसी तरह से हम लोगों को उनके शहर से जानते हैं, है ना, आप जानते हैं मैं कौन से शहर से हूँ। तो उसी तरह जब हम जिस जगह से भी निकल कर आते हैं हमारी एक पहचान बन जाती है, पर यहाँ पर कुछ उल्टा था। यहाँ पर लिखा हुआ है नतनएल ने इस बात को बोला क्या नासरत में से भी कोई अच्छी वस्तु निकल सकती है, इसका मतलब नासरत में कुछ भी अच्छा दिखाई नहीं दे रहा था, नासरत में कुछ भी अच्छा प्राप्त नहीं हो रहा था। नासरत एक छोटा सा रूरल, छोटा सा शहर बोल सकते हैं, गांव बोल सकते हैं, छोटी सी जगह थी जहां पर कुछ भी फलवंत होता दिखाई नहीं दे रहा था। बट यहां पर लिखा हुआ है यीशु मसीह के विषय में कि यीशु मसीह नासरी कहलाया। हालेलुया, मैं धन्यवाद देता हूं कि हमारा परमेश्वर जिसकी मैं और आप सेवा करते हैं, जिसके मैं और आप पीछे चलते हैं, वो आसमान और ज़मीन का
बनाने वाला है। और जब आप जानते हैं लिखा हुआ है पृथ्वी बेडौल और सुनसान थी और गहरे जल के ऊपर परमेश्वर का आत्मा मंडराता था। परमेश्वर ने कहा उजियाला हो और उजियाला हो गया। सोचकर देखिए जब सब कुछ बेडौल है, सब कुछ खराब है, कुछ पनप नहीं रहा है, नथिंग ग्रेट इज हैपनिंग, बट आई बिलीव व्हेन गॉड सेज ही डज एंड एवरीथिंग हैपन्स सो ब्यूटीफुली। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ जब परमेश्वर कह देता है चीज़ें उत्पन्न हो जाती हैं, चीज़ें बन जाती हैं, वो चाहे एग्जिस्ट करती हों चाहे ना करती हों, पर जब परमेश्वर कह देता है वो बन जाती हैं। हालेलुया। एंड वी सर्व अ गॉड हु इज रेडी टू मेक समथिंग टूडे इन योर एम्प्टीनेस। हालेलुया। आपके उस खाली जीवन में, आपके उस हालात में जहाँ पर आपको लग रहा है कि शायद चीज़ें पूरी नहीं हो पाएंगी, बट आई बिलीव आपके नासरत में भी कुछ अच्छा आज निकलने पर है। हालेलुया। आपके नासरत को भी देखकर लोग कहेंगे हाँ ये नासरी जरूर है, हाँ इसके जीवन में वो नासरत दिखाई दे रहा है, बट आई थैंक गॉड द गॉड हुम आई सर्व इज ग्रेटर देन नासरत। हालेलुया। वही है जो मेरे जीवन में उस नासरत को मेरे लिए आशीष का कारण बना देगा। बहुत सारी चीजें आज आपके लिए नासरत बनी हुई हैं, मुझे नहीं पता क्या है, बट आई बिलीव जिस परमेश्वर की मैं और आप आराधना करते हैं वो आपके जीवन में उस ब्रांच के द्वारा कुछ नया उत्पन्न करने जा रहा है। हालेलुया। बाइबल बताती है इट वाज अ प्रोफेसी डन इन द बुक ऑफ जर्माया, यर्मिया की किताब उसका 23वां अध्याय उसकी 5वीं पद को जब आप पढ़ेंगे, यर्मिया उसका 23वां अध्याय और उसकी 5वीं आयत में कुछ इस तरह लिखा है, पढ़ें। यहोवा की यह भी वाणी है, देख ऐसे दिन आते हैं जब मैं दाऊद के कुल में एक धर्मी अंकुर उगाऊंगा। लिखा हुआ है यहोवा की ये भी वाणी है, ऐसे दिन आते हैं जब मैं दाऊद के कुल में एक धर्मी अंकुर उगाऊंगा। यस, जीसस क्राइस्ट वाज द राइचियस ब्रांच। यीशु मसीह वो धार्मिक या धर्मी अंकुर था जिसे परमेश्वर ने उगाया उस स्थान पर जहां पर कुछ भी पनप नहीं रहा था, जहां पर कुछ अच्छा दिखाई नहीं दे रहा था। और यहां पर लिखा हुआ है उस दाऊद के कुल में से एक धर्मी अंकुर परमेश्वर ने उगाया अपने वायदे के अनुसार, लिखा है और वो राजा बनकर बुद्धि से क्या करेगा, राज्य करेगा और अपने देश में न्याय और धर्म से प्रभुता करेगा। उसके दिनों में यहूदी लोग बचे रहेंगे और इजरायली लोग निडर बसे रहेंगे और उसका नाम यहोवा हमारी धार्मिकता रहेगा। हालेलुया। हम धन्यवाद देते हैं दैट गॉड वी सर्व इज अ राइचियस गॉड। और वो परमेश्वर उसने कहा मैं दाऊद के कुल में से एक क्या उत्पन्न करूंगा, एक धर्मी अंकुर उगाऊंगा, एक धर्मी अंकुर उगाऊंगा। इंग्लिश में पढ़ेंगे तो वहां लिखा है आई विल मेक अ राइचियस ब्रांच। हालेलुया। मैं धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने नासरत में उस धर्मी अंकुर को, धर्मी उस डाली को वहां पर हमारे लिए और आपके लिए स्थापित किया। मैं धन्यवाद देता हूं कि जब नतनएल इस बात को बोल रहा है क्या नासरत में से भी अच्छी वस्तु निकल सकती है, हाँ शायद ना निकल सकती हो, पर जिस परमेश्वर की हम इबादत करते हैं वो परमेश्वर सक्षम है कि उस जगह पर ऐसी चीजें उत्पन्न कर दे जहां पर वो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। हालेलुया। मैं धन्यवाद देता हूं कि उस परमेश्वर ने इस राइचियस ब्रांच को मेरे लिए और आपके लिए दिया है। हालेलुया। खुदा के लोगों आज की सुबह आपको एनकरेज करना चाहता हूं, जवानों आपको एनकरेज करना चाहता हूं। कई बार हम अपनी जिंदगी की वैल्यू नहीं समझते, हमें लगता है कि हमारा जीवन बहुत छोटा है और इस छोटे से जीवन में हम क्या क्या कर लेंगे। आपको कहना चाहता हूं हर दिन खुदा ने मुझे और आपको नई अपॉर्चुनिटीज दी हैं, हर दिन खुदा ने मुझे और आपको नए चैलेंजेस दिए हैं हमारी लाइफ में, हर दिन खुदा मुझे और आपको अलग रीति से इस्तेमाल करना चाहता है। बट व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू फोकस ऑन हिज फेस। हमें उसके चेहरे की ओर तलबगार होना है, हमें उसकी तरफ देखना है और हमें उससे पूछना है कि परमेश्वर तू बता कि मैं किस रीति से वो डाली बन सकूं जिसे देखकर लोग कह सकें हाँ इसके लिए भी नासरत में कुछ अच्छा उत्पन्न हुआ है। हालेलुया। लोग शायद जमाना आपको तुच्छ समझता हो, लोग आपको डिमोरलाइज करते हो, आपकी वैल्यू कुछ ना समझते हो, आपको कहना चाहता हूं एक लोहार सोने की कीमत नहीं समझ सकता क्योंकि उसका काम लोहा
बनाना है, लोहे को तैयार करना है, पर एक सुनार एक लोहे की कीमत नहीं समझ सकता क्योंकि उसका काम सुनार का है। इसी तरह से हमारी कीमत भी केवल वही जान सकता है, केवल वही लगा सकता है, केवल वही हमारे को वो वैल्यू दे सकता है जिसने हमें और आपको बनाया है। हालेलुया, ही इज द वन हु हैव क्रिएटेड अस, केवल वो हमारी वैल्यू समझ सकता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अगर अपने जीवन में आपको मसले हो रहे हैं, अगर अपने जीवन में कुछ बातें ऐसी हो रही हैं जिनको आप सोच सोच के कन्फ्यूज हैं, आपको लग रहा है मेरे जीवन का अब क्या होगा, आपको कहना चाहता हूँ गो बैक टू जीसस, यीशु मसीह के पास जाएं, उसके चरणों के पास बैठें, उससे पूछें परमेश्वर मुझे बता, क्योंकि मैं हो सकता है लोगों के लिए वो ऐसी वस्तु बन गया हूँ जहाँ से कुछ भला उत्पन्न नहीं हो रहा है, बट आई बिलीव दैट गॉड विल क्रिएट समथिंग न्यू टुडे इन दिस ब्रांच। हालेलुया, खुदा कुछ नया अंकुरित करेगा, खुदा कुछ नया बना देगा, खुदा कुछ ऐसा करेगा जिसने उस 6 दिन में इस दुनिया को बना डाला जिसमें से मैं और आप भी थे, उसी तरह खुदा आज भी आपके लिए कुछ नया उत्पन्न करेगा जिसमें आप कह सकेंगे दैट लॉर्ड ही इज माई रायचियसनेस, उसने मेरे लिए आज कुछ नया उत्पन्न किया है। बाइबल बताती है यशाया उसका 11 अध्याय, जिस परमेश्वर की हम इबादत करते हैं उसके विषय में बहुत अद्भुत बात लिखी है। यशाया उसका 11 अध्याय से पढ़ना शुरू करें। जी हाँ, तब येशे के ठूंठ में से एक डाली फूट निकलेगी और उसकी जड़ में से एक शाखा निकलकर फलवंत होगी। लिखा है तब येशे के ठूंठ में से एक डाली फूट निकलेगी। अगेन इट इज टोल्ड अबाउट जीसस क्राइस्ट। हाँ, फिर से जब हम यहाँ पढ़ रहे हैं, यहाँ पर यीशु मसीह के विषय में लिखा गया है, लिखा ईशे के ठूंठ में से एक डाली फूट निकलेगी और उसकी जड़ में से एक शाखा निकल कर क्या होगी, फलवंत होगी। आगे लिखा यहोवा का आत्मा बुद्धि और समझ का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा और ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा उस पर ठहरा रहेगा और उसको यहोवा का भय सुगंध सा भाएगा। मैं धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने 7 प्रकार के आत्माओं के विषय में यीशु मसीह के जीवन में उस अनॉइंटिंग को बताया। मैं धन्यवाद देता हूँ कि जब हम उस डाली का हिस्सा बन जाते हैं, जिस डाली में सटे रहने के लिए, जिस डाली में लगे रहने के लिए मैं और आप बुलाए गए हैं, तो यकीनन खुदा मुझे और आपको भी ऐसे इस्तेमाल करता है कि हमें भी खुदबाप वो स्पिरिट ऑफ विजडम देता है, हमें भी खुदबाप वो स्पिरिट ऑफ नॉलेज देता है, हमें भी खुदबाप स्पिरिट देता है कि हम उसके आत्मा की सामर्थ्य में होकर अपने जीवन में विक्ट्री को हासिल कर सकें। हालेलुया, मैं धन्यवाद देता हूँ कि ईशे के ठूंठ में से जो डाली निकली उसको खुदावंद ने फलवंत किया। आपको कहना चाहता हूँ वचन में लिखा हुआ है, जब हम पढ़ते हैं यूहन्ना उसका 15 अध्याय और उसके पहले पद को पढ़ें, क्या लिखा है यूहन्ना उसका 15 अध्याय और उसका पहला पद। जी, सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। तुम जो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा शुद्ध हो, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से फल नहीं सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। हालेलुया, यहाँ पर लिखा हुआ है जैसे डाली, जिस डाली की हम बात कर रहे हैं, लिखा है जैसे डाली किसमें बनी रहती है, दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से फल नहीं सकती, वैसे यदि तुम मुझ में ना बने रहो तो फल नहीं सकते। लिखा है मैं दाखलता हूँ और तुम क्या हो, डालियां हो। लिखा है जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल लाता है। कई बार हम पता है फल क्यों नहीं ला पा रहे हैं, कई बार हमारे जीवन में हम उन आशीषों को देख क्यों नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने आप को उस डाली में बनाए नहीं रखना चाहते, हम कई बार उससे सटे रहना नहीं चाहते, हम बहुत सारे रास्ते अपनाते हैं, हमें लगता है कि इस तरह से हमारे जीवन में हम प्रॉस्पेरिटी को देख लेंगे, इस तरह से हम अपने जीवन में बढ़ोतरी को देख लेंगे, इस तरह से हमारे काम हो जाएंगे। आपको कहना चाहता हूँ अगर हम दूसरे रास्ते अपना कर ये सोच रहे हैं कि हमारे जीवन में हम आशीष प्राप्त कर लेंगे, तो हो सकता है कुछ क्षण भर के लिए तो हमें आशीष मिल जाए, पर वचन के मुताबिक अगर हम देखें तो वो फलवंत नहीं होगी। बहुत ज़रूरी है कि हम आशीष तो प्राप्त करें पर उसमें दुख ना मिला हो,
हम ऐसी आशीष प्राप्त करें जिसमें सुख ही सुख हो, हम ऐसी आशीष प्राप्त करें जिसमें फलवंतता हो, जिसमें मल्टीप्लिकेशन हो, क्योंकि जो आशीष परमेश्वर की ओर से आती है वो तभी आती है जब हम उससे सटे रहते हैं, उस दाखलता में बने रहते हैं। और जिस तरह प्रभु यीशु मसीह अपने पिता से मिले रहे यीशु मसीह को, परमेश्वर ने आशीष दी और यीशु मसीह ऐसी जगह से उत्पन्न हुए जो जगह लोगों के लिए तो बस ऐसे ही थी, फिजूल थी, उन्हें लगता था यहाँ से कुछ भला उत्पन्न नहीं हो सकता, पर मैं धन्यवाद देता हूँ कि यीशु मसीह के लिए कहा गया क्या नासरत में भी ऐसी अच्छी वस्तु, ऐसी अच्छी वस्तु कौन थी? वो यीशु मसीह थी। हालेलुया, धन्यवाद देता हूँ, वो ऐसी अच्छी वस्तु यीशु मसीह बना। उसी तरह खुदा बाप आपको भी वैल्यू देगा, उसी तरह खुदा बाप आपको भी वो स्थान देगा, उसी तरह खुदा बाप आपको भी उस जगह पर खड़ा करेगा कि आपके वजह से चीजें जानी जाएंगी। हालेलुया, आपकी वजह से आपका शहर जाना जाएगा, आपकी वजह से आपके आसपास के लोग जाने जाएंगे, आपकी वजह से आपकी कलीसिया जानी जाएगी, आपकी वजह से आपका देश जाना जाएगा। पर ये सब कब होगा? जब हम उस दाखलता से मिले रहेंगे और उस दाखलता को अपने अंदर कार्य करने देंगे। एंड आई बिलीव व्हेन वी विल प्रिपेयर आवर सेल्फ टू बी इन द वाइन, उस दाखलता में बने रहने के लिए हम तैयार हो जाएंगे, तो खुदा बाप का वायदा है, उसने कहा क्योंकि मुझ में बना रहता और मैं उसमें, वो बहुत फल लाता है। जब आप उसमें आगे पढ़ेंगे 6th verse में, क्योंकि यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वो डाली के समान फेंक दिया जाता और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती हैं। पर यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। आई वॉज थिंकिंग अबाउट दिस वर्ड्स, मैं सोच रहा था खुदा बाप कि आपने कहा जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हो सकता है आप बहुत सी चीज़ें खुदा से मांगते हैं पर अभी तक वो फुलफिल नहीं हुई है, पर आपको कहना चाहता हूँ फुलफिल हो जाएंगी क्योंकि उसने वायदा किया है। वायदा आपसे कोई मनुष्य नहीं कर रहा है, कई बार मनुष्य वायदा करता है मुखर जाएगा, पर जिसने आपसे वायदा किया है ना वो जीवित परमेश्वर है। हालेलुया, बाइबल बताती है उस जीवित परमेश्वर के विषय में। जब परमेश्वर के दास ने इस बात को बोला, लिखा हुआ है भजन संहिता 121 अध्याय उसके दूसरे पद में, पहले और दूसरे पद में लिखा हुआ है, पढ़ें भजन संहिता 121 अध्याय उसके पहले दूसरे पद में क्या लिखा है पढ़ें। आप में से बहुत लोगों को मालूम होगा ये पद, पर हम कई बार इसे भूल जाते हैं। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा जी, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा। जब हम ये सोच रहे हैं कि हम अपनी आंखें उस व्यक्ति की ओर लगाएंगे, हम अपनी आंखें किसी कलीसिया पर लगाएंगे, हम अपनी आंखें किसी पासवान पर लगाएंगे, हम अपनी आंखें किसी चाचा ताऊ फूफा नानी उनकी ओर लगाएंगे, हमें लग रहा है कि वो हमारी सहायता करेंगे। आपको कहना चाहता हूँ हो सकता है वो 2 दिन सहायता करें, 3 दिन सहायता करें, उसके बाद वो भी हाथ जोड़ लें, भैया अब हमसे नहीं हो पा रहा है। पर प्रभु का दास इस बात को हमें सिखा रहा है क्या करना है हमें। अगर हम चाहते हैं हमारे जीवन में हम वो प्राप्त करें जिसके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं, तो हमें करने की क्या आवश्यकता है? नहीं सिर्फ हमें खुदा में बने रहने की आवश्यकता है, पर साथ ही साथ यहाँ पर लिखा हुआ है वो सिखा रहा है, कहने लगा मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, फिर आगे लिखा है मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? लिखा है मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। ही इज द क्रिएटर ऑफ हेवन एंड द अर्थ। हालेलुया, जिसने सब चीजें रचाई हैं, जिसने सब चीजें बनाई हैं, क्या हम उसके पास जाएंगे या फिर उनके पास जाएंगे जिनके खुद के वजूद का कोई ठिकाना नहीं? सोच कर देखिए, हमें किसके पास जाना चाहिए, हमें किससे मांगना चाहिए, हमें किसकी ओर देखना चाहिए? हमें उस जीवित परमेश्वर की ओर देखना चाहिए जिसने इस आकाश और पृथ्वी की रचना की है। हालेलुया, मैं धन्यवाद देता हूँ दैट ही इज़ आर क्रिएटर, उसने हमें बनाया है और उसे मालूम है कि हमारे पास तकलीफ़ें हैं, उसे मालूम है कि हम बहुत सारे परेशानियों से होकर इस ज़मीन पर जाते हैं, उसे मालूम है कि कैसे लोग हमें नीचा गिराते हैं, उसे मालूम है कैसे लोग हमारे लिए ख़राब बातें बोलते हैं, कैसे लोग हमारी खिलाफत करते हैं, कैसी परिस्थितियों को हमें अपने दिनचर्या में झेलना पड़ता है। दफ्तर में जाओ तो वहाँ पर पॉलिटिक्स, परेशानियाँ,
बहुत सारी चीज़ें होती हैं, घर में जाओ तो बहुत सारी समस्याएं, घर के क्लेश, घर की लड़ाइयां ख़त्म नहीं होती। हम जहां कहीं भी जाते हैं देखते हैं कि कुछ ना कुछ परेशानी लगी हुई है। एंड आई वॉन्ट टू टेल यू पीपल ऑफ गॉड कि परेशानियाँ कोई गलत चीज़ नहीं है। पीपल हु आर थिंकिंग दैट दे विल नॉट हैव एनी प्रॉब्लम इन देयर लाइफ, तो ये आपका सोचना गलत है, क्योंकि परेशानियां तो आएंगी एंड प्रॉब्लम्स आर द साइन ऑफ लाइफ, है ना। हम अपने जीवन में अगर परेशानियां ना देखें तो इसका मतलब हम जीवन नहीं जी रहे हैं। सोचकर देखिए, एक मुर्दा जो मुर्दा घर में गाड़ा गया है, गाड़ दिया गया है उसे, उससे जाकर आप बोलिए ए भाई सुन तेरा बिजनेस चौपट हो गया, उसे कोई फर्क पड़ेगा? उसे कोई फर्क पड़ेगा? क्यों, वो तो मर गया है ना, उसे क्या फर्क पड़ रहा है मेरा बिजनेस चौपट हो गया। उसे जाकर कोई बोला अरे तेरी गाड़ी वहां खड़ी थी कोई लेके चला गया, उसे क्या फर्क पड़ने वाला है, वो मर गया। सो उसके लिए प्रॉब्लम सब कुछ नहीं रही, क्यों? क्योंकि वो दुनिया से जा चुका है। बट इफ यू आर लिविंग, अगर आप जीवित हैं तो आपके जीवन में प्रॉब्लम्स हैं एंड प्रॉब्लम्स आर द साइन ऑफ लाइफ। तो समस्याएं प्रॉब्लम नहीं है, समस्याओं से ना भागिए, पर ये दुआ करिए प्रभु उन समस्याओं में, उन तकलीफों में हम देख किसकी तरफ रहे हैं, हम किसकी तरफ अपनी निगाह कर रहे हैं। बिकॉज व्हेन यू अंडर एस्टिमेट गॉड, व्हेन यू अंडर एस्टिमेट द क्रिएटर, जिस परमेश्वर की हम और आप सेवा करते हैं, गाना तो बहुत अच्छे से गाते हैं, वचन तो बहुत अच्छे से सुनते हैं, पर हम ये भूल जाते हैं कि वही परमेश्वर जो नासरत में अच्छी वस्तु उत्पन्न कर सकता है, वही परमेश्वर नागपुर में भी अच्छी वस्तु उत्पन्न कर सकता है, वही परमेश्वर मेरे घर में भी अच्छी वस्तु उत्पन्न कर सकता है, वही परमेश्वर मेरे जीवन में भी अच्छी वस्तु उत्पन्न कर सकता है। तो व्हाट यू आर वेटिंग फॉर, What you are waiting for? Go to God, खुदा के पास जाएं, उसके समीप ठहरें, उससे कहें प्रभु मैं तुझ में बने रहना चाहता हूँ, मैं तेरे वचन को अपने अंदर बनाए रखना चाहता हूँ। एंड आई बिलीव व्हेन आई विल कीप योर कमांडमेंट, जब मैं तेरे वचन को अधिकाई से अपने अंदर बसने दूंगा, तूने वायदा किया है जो कुछ मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। हालेलुया। एंड आई बिलीव कि खुदा आपको देने पर है, बट अगर आप ये सोच रहे हैं कि कैसे देगा तो ये खुदा के हाथों में सौंप दीजिए, पर आप ये कहिए प्रभु मैं जानता हूँ कि तू करेगा, क्योंकि तूने अपने कलाम में वायदा किया है। हम और आप जब प्रभु के वचन को पढ़ते हैं, लिखा हुआ आयजाया चैप्टर 43 वर्स 4-6, लिखा हुआ है यशाया उसका 43 अध्याय उसकी चौथी आयत में पढ़े क्या लिखा है। मेरी दृष्टि में तू अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है। हालेलुया। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, मेरी दृष्टि में तू क्या है, अनमोल है, और क्या है, प्रतिष्ठित है, और मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ। आपको एक बात पूछना चाहता हूँ कि आप किसी और की दृष्टि में अनमोल और प्रतिष्ठित रहना चाहते हैं, या अपने परमेश्वर की दृष्टि में अनमोल और प्रतिष्ठित रहना चाहते हैं? क्योंकि लोगों की दृष्टि में अगर अनमोल और प्रतिष्ठित बनेंगे, लोग आपका आज आदर करेंगे, कल आपके लिए अपमान की बातें बोलेंगे, लोग आपको आज बहुत आदर देंगे, कल हो सकता है आप ही के खिलाफ खड़े हो जाएं। सो ये चीज़ें होंगी, यीशु मसीह के साथ हुई तो हमारे साथ भी हो सकती हैं। तो सोच कर देखिए, जिस परमेश्वर ने सब कुछ रचा है, सब कुछ बनाया है, वो परमेश्वर मुझे और आपको इस बात का एश्योरेंस दे रहा है और क्या कह रहा है, तू मेरी दृष्टि में क्या है, अनमोल है। जब कोई चीज़ अनमोल होती है तो हम उसे संभाल कर रखते हैं ना। मैं आपको कहना चाहता हूँ, खुदा आपको संभाल कर रखेगा, खुदा आपको संभाल कर रखेगा, खुदा आपकी फिक्र करेगा, खुदा आपको छोड़ेगा नहीं। आपको चाहे लाख लोग गिरा लें, आपको चाहे लाख लोग बदनाम कर लें, पर आपकी नाम धराई के बदले खुदा दुगना आदर देने में सक्षम है। आपको चाहे कितना भी नुकसान हुआ हो इस लॉकडाउन में, पेंडेमिक में, आपके सब नुकसान की भरपाई वो करेगा, क्योंकि उसने वायदा किया है कि तुम मेरी दृष्टि में अनमोल हो और वो आपकी किसी भी चीज़ को खराब होने नहीं देगा। हालेलुया। खुदा बाप भला है और वो अपने लोगों का भला ही चाहता है, और उसने वायदा किया है, उसने कहा है मैं तुमसे प्रेम रखता हूं और तुम मेरी दृष्टि में प्रतिष्ठित हो। यू आर हाईली ऑनर्ड इन द साइट ऑफ गॉड। बट हमें करना क्या है, हमें खुदा में बने रहना है, हमें उसकी ओर, उस पर्वत की ओर अपनी निगाहें लगाए रखनी है। मुझे सहायता उस यहोवा से मिलेगी जो आकाश और पृथ्वी का करता है। अगली बार कोई आपसे कहे बेटा
बहुत तुमने नुकसान उठा लिए, बहुत सारी परेशानियां तुम्हारे जीवन में हैं, अब कैसे बाहर आओगे? कहना, मैंने अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाई है और उस परमेश्वर की ओर मैं देख रहा हूं जो आकाश और पृथ्वी का करता है, और उसने मुझसे कहा है तू मुझ में बना रहे, मैं तुझ में बना रहूंगा और मेरा वचन तुझ में बना रहे, सो जो कुछ मांगेगा तेरे लिए हो जाएगा। मुझे नहीं पता आपके कर्जे कितने हैं, पर खुदा उन कर्जों से बाहर निकालने में सामर्थ्य है। मुझे नहीं पता आपने कितनी मुश्किलों का सामना किया है, बट आई बिलीव जिस परमेश्वर की मैं और आप इबादत करते हैं, लिखा है वो ऐसा महायाजक है जो तुम्हारी परीक्षा में, तुम्हारे दुख में तुम्हारे साथ दुखी हो सकता है, तुम्हारी परीक्षा में तुम्हारा हाथ थाम कर उसे निकालने में सामर्थ्य है। तो यकीन जानो, जब तुम्हारी निगाहें उसकी ओर लगी हैं, वो तुम्हें गिरने नहीं देगा। हालेलुया। बाइबल बताती है, लिखा हुआ है डिटोनॉमी व्यवस्था विवरण उसका 28 अध्याय, उसकी 13वीं आयत जल्दी से पढ़ दें। व्यवस्था विवरण उसका 28 अध्याय और उसकी 13वीं आयत मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। लिखा है 28 अध्याय उसकी 13वीं आयत में लिखा है, और यहोवा तुझको पूछ नहीं किंतु सिर ही ठहराएगा। हालेलुया। यहोवा तुझको पूछ नहीं वरन सिर ही ठहराएगा। बोलिए I am created head not the tail, I am created head not the tail। खुदा तूने मुझे पूछ नहीं वरन सर ठहराया है। वचन कहता है, लिखा हुआ है, और तू नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा। लिखा हुआ, यदि परमेश्वर यहोवा की आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूं तू अपने तू उनको मानने में मन लगाकर क्या करे? चौकसी करे। अरे खुदा की बातों में मन लगाओ, खुदा के वचनों में मन लगाओ, खुदा की उपस्थिति में मन लगाओ। सरेंडर योर लाइफ टू गॉड। प्रभु से कहें कि प्रभु मेरे लिए कुछ चीजें कोप अप करना मुश्किल हो रही हैं, प्रभु मैं इन चीजों से बाहर नहीं आ पा रहा हूं, मुझे नहीं पता आपकी जिंदगी की परेशानियों का आडंबर कितना बड़ा है, बट आई बिलीव उन परेशानियों से कहीं ज्यादा बढ़कर और सामर्थ्य हमारा जीवित खुदा है जो आपको हर मुश्किल से, हर उस लाल समुंदर से, हर उस यर्दन की नदी से, हर उस कड़वे पानी के समय में से निकाल सकता है और आपको अपने सोतों में से पिला सकता है। हालेलुया। इसीलिए आज आपकी स्थिति हो सकता है नासरत जैसी हो, शायद कुछ अच्छा उत्पन्न नहीं हो रहा है, बट आई बिलीव हाँ, आप जब अपनी निगाहों को खुदा की ओर लगाएंगे, जब आप उस डाली की तरह अपने आप को दाखलता से चिपका लेंगे, अपने आप को उसमें बनाए रखेंगे, खुदा आपके लिए भी उस नासरत में कुछ अच्छा उत्पन्न करने जा रहा है। हालेलुया। बाइबल बताती है, लिखा हुआ है कुलुसियों उसका पहला अध्याय और उसकी 16वीं आयत, कुलुसियों उसका पहला अध्याय और उसकी 16वीं आयत जी पढ़ दें जल्दी से। कुलुसियों पहला अध्याय उसकी 16वीं आयत, यहां पर कुछ इस तरह लिखा है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की क्या हुई? सृष्टि हुई। स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की हो, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई हैं। हालेलुया। वही सब वस्तुओं में प्रथम है और सब वस्तुएं उसी में क्या रहती हैं? स्थिर रहती हैं। सारी वस्तुएं उसी में स्थिर रहती हैं। एवरीथिंग दैट वी सी अराउंड, जो कुछ भी हमारे आसपास हमें दिखाई देता है, वो सब हमारे परमेश्वर में क्या रहती है? स्थिर रहती है। मुझे मालूम है बहुत सारे लोग इस समय जॉब्स ढूंढ रहे हैं, बहुत सारे लोग अभी स्ट्रगल कर रहे हैं फाइनेंशियली, बहुत सारे लोग बीमारियों में ग्रसित हैं, बहुत सारे लोग तरह तरह की तकलीफ़ों में से होकर जा रहे हैं, बट आपको कहना चाहता हूँ कि जिस परमेश्वर की मैं और आप इबादत करते हैं, उस क्रिएटर को इतना छोटा मत समझिए कि आपके लिए एक जॉब उत्पन्न ना कर सके। उस परमेश्वर को इतना छोटा मत समझिए कि आपकी उन हालातों में जब आप शायद अकेले हैं, शायद कोई आपके साथ नहीं खड़ा है, पर वो आपके साथ खड़ा होगा। हालेलुया। इसलिए आपको आज एनकरेज करना चाहता हूँ आज की सुबह में, अपने नासरत को, हो सकता है लोगों की नज़र में उसमें कुछ अच्छा उत्पन्न नहीं हो रहा है, पर अंडर एस्टिमेट मत करिए, क्योंकि खुदा उस नासरत में कुछ अच्छा उत्पन्न करने जा रहा है। कितने लोग कहेंगे आमीन? मैं विश्वास करता हूँ कि खुदा आपके लिए आज कुछ नया उत्पन्न करेगा। उसी परमेश्वर की ओर देखें जिसने 6 दिन में दुनिया बनाई, और जब वो 6 दिन में दुनिया बना सकता है, तो आज 1 दिन में भी आपके लिए कुछ ऐसा अद्भुत कार्य कर सकता है जो आपने अपनी कल्पनाओं में भी नहीं सोचा होगा। हालेलुया। सो बी फोकस्ड ऑन गॉड, उसकी ओर देखें, सरेंडर योर लाइफ टू हिम। खुदा से कहें, प्रभु मैं तुझ में
तू मेरी दाखलता है, अपने आप को डाली के समान बनाए रखना चाहता हूँ। हो सकता है आप इधर उधर देख रहे थे, इधर उधर ताक रहे थे, आपकी निगाहें और चीज़ों की ओर लगी हुई थी, पर आइए अब से सिर्फ और सिर्फ अपने कर्ता की ओर देखें, सिर्फ और सिर्फ अपने बुलाने वाले की ओर देखें, सिर्फ और सिर्फ उसकी ओर देखें जिसने आपको अपने लहू से खरीदा है, और उससे कहें प्रभु तू मेरा रचयिता है, तूने मुझे बनाया है, प्रभु तू मेरी फिक्र करता है, प्रभु और मैं जानता हूँ तूने अपनी दृष्टि में मुझे अनमोल बनाया है, एंड लॉर्ड यू विल नॉट अलाउ मी टू सी डाउनफॉल इन माई लाइफ। हालेलुया, मैं विश्वास करता हूँ खुदा ने आपसे कहा है, मुझसे कहा है कि मैं तुझे नीचे नहीं वरन ऊँचा रखूंगा। एक आखिरी आयत हम पढ़ेंगे फिर हम दुआ करेंगे। लिखा हुआ है मत्ती उसका 6 अध्याय और उसकी 33वीं आयत में क्या लिखा है, Matthew 6:33 में। हम कई बार इस आयत को पढ़ते हैं पर हम इसको भूल जाते हैं, क्या लिखा है पढ़ दे फिर से। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो जी, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। बहुत आसान है ना ये पढ़ना, बहुत आसान है पढ़ना कि पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। कई बार उसका राज्य और धर्म की खोज करना इट सीम्स बोरिंग है ना, बहुत सारे लोगों के लिए ये बहुत बोरिंग बात लगती है, क्या दुआ प्रार्थना करते रहें, क्या मिलेगा इसमें, चलो कुछ हाथ पैर मारते हैं, कुछ अपने तरीके से भी करते हैं। आपको कहना चाहता हूँ आप तरीके कितने भी अपना लें, दुनिया में बहुत सारे तरीके हैं, गलत तरीके से आप अपने जीवन में बढ़ सकते हैं, पर जो परमेश्वर का तरीका है वो ये है, सीक ये फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड, पहले तुम उसके धर्म और राज्य की खोज करो। मुझे और आपको अपने जीवन में सबसे पहले प्रभु की प्रायोरिटीज अपने जीवन के लिए पूछनी है कि प्रभु तू मेरे जीवन को किस रीति से इस्तेमाल करना चाहता है, एंड व्हेन यू विल नो द विल ऑफ गॉड तो आपको किसी बात की चिंता नहीं होगी, आप क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, आपके घर की ज़रूरतें कैसे पूरी होंगी, बिकॉज यू नो यू आर सर्विंग अ गॉड हु इज़ रेडी टू ब्लेस यू। हालेलुया, उसने क्या कहा, तुम पहले उसके राज्य उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। हालेलुया, आगे लिखा हुआ है अतः कल की चिंता ना करो, कल की ही तो चिंता कर रहे हैं सब, सब कल की तो चिंता कर रहे हैं, कल मेरा क्या होगा, कल मेरे परिवार का क्या होगा, अरे हमने कल देखा ही नहीं है, अभी हम उस चीज़ की चिंता बहुत करते हैं जो आने वाली है। बट आपको कहना चाहता हूँ, एक गीत हम लोग गाते हैं ना हमेशा, मेरा कल तेरे हाथों में था, आज तेरे हाथों में है, कल तेरे हाथों में है प्रभु। हम लोग सिर्फ इस गीत को गाएं ना, अपने जीवन में इस गीत को बनाए रखें, इस गीत के अनुसार अपने जीवन को जिए और प्रभु से कहें प्रभु मुझे मालूम है मेरा कल तेरे हाथों में सुरक्षित है, मेरे बच्चे का कल तेरे हाथों में सुरक्षित है, मेरे परिवार का भविष्य आपके हाथों में सुरक्षित है, एंड आई बिलीव चाहे नासरत कितना भी खराब दिखाई दे रहा हो, चाहे उसमें कुछ उत्पन्न हो रहा हो या ना हो रहा हो, पर मैं तो अपनी आँखें उस पर्वत की ओर लगाऊंगा जहाँ से मेरी सहायता आती है, मैं तो अपने खुदा से लिपटा रहूंगा, मैं उसमें बना रहूंगा, मैं उसकी सेवा करता रहूंगा, उसके वचनों पर चलता रहूंगा, और जब तक मेरे अंदर सांस है मैं उसके राज्य और उसके धर्म की खोज करूंगा, क्योंकि उसने वायदा किया है तो सब वस्तुएं तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। तो किसी बात के विषय में यह ना सोचे कि कैसे होगा, पर मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर ऐसे करेगा जैसे आपने कभी सोचा नहीं होगा। हालेलुया, सो वॉट एवर यू आर नॉट एबल टू सी राइट नाउ, बाइबल बताती है वो देखी और अनदेखी चीज़ों का परमेश्वर है, कुछ चीज़ें दिखाई देती हैं, कुछ चीज़ें दिखाई नहीं भी देती हैं, बट स्टिल दे एग्जिस्ट, वो हैं और आपके लिए हैं, आपका नाम उसमें लिख दिया गया है, आपका नाम उसमें दर्ज कर दिया गया है। अगर आप किसी चीज़ के विषय में सोच रहे हैं तो आपको कहना चाहता हूँ ये जॉब परमेश्वर ने आपका नाम उसमें लिख दिया है, उसका अपॉइंटमेंट लेटर आपके लिए तैयार कर दिया गया है। हो सकता है आपके जीवन में कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अभी तक असाइन नहीं की गई हैं, खुदा आपका नाम उसमें लिख रहा है और वो आपके लिए नियुक्त हैं और आपको परमेश्वर वो देगा। हालेलुया, विश्वास करता हूँ उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले रचा है। इस आयत को भी पढ़ दें, इफिसियों का पहला अध्याय उसकी 4वीं आयत जल्दी से पढ़ दें जी, मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। लिखा है जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों
और अपनी इच्छा से भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र हों। हालेलुया। जानते हैं लेपालक का मतलब क्या होता है? अडॉप्टेड, है ना। परमेश्वर ने हमें क्या कर लिया है? अडॉप्ट कर लिया है। सोचिए किसने अडॉप्ट किया है? राजा ने। राजा के बच्चे फटे कपड़े नहीं पहनते, राजा के बच्चे हमेशा रॉयल जिंदगी जिएंगे। क्यों? क्योंकि वो राजा के बच्चे हैं। हम राजा के बच्चे हैं एंड वी आर द चाइल्ड ऑफ गॉड, और उसने हमें अडॉप्ट किया है। वी आर द अडॉप्टेड सन्स एंड डॉटर्स। और जब उसने हमें अडॉप्ट कर लिया है तो सोच कर देखिए क्या हमें किसी बात की घटी होगी अगर हम अपने राजा से, अगर हम अपने पिता से, अगर हम अपने यीशु मसीह से मिले रहे, अगर हम उसकी अधीनता में चलते रहे, तो वो हमें वो सब देगा जिसका वारिस होने के लिए उसने मुझे और आपको बुलाया है। जगत की उत्पत्ति से पहले हमें उसने चुन लिया था, और ये सब कुछ जो वो देने जा रहा है वो इसलिए देगा क्योंकि तुम उसमें बने हुए हो, क्योंकि तुम उसके साथ चल रहे हो, क्योंकि तुम उसकी अधीनता में रहना पसंद करते हो। जो लोग उसकी अधीनता से बाहर जाना चाहते हैं, अपने तरीकों से चीज़ें करना चाहते हैं, दे कैन डू इट बट दे विल नॉट सक्सीड टू फार इन देयर लाइफ। बट जो लोग उसकी अधीनता में रह कर बढ़ना चाहते हैं, खुदा बाप न सिर्फ इस ज़मीन पर 100 गुना देगा पर स्वर्गीय स्थानों में भी अपने वारिस के रूप में उसे क्राउन देगा। हालेलुया। इसलिए खुदा में बने रहें, खुदा से लिपटे रहें, उसकी सेवा करते रहें। आपके लिए आज नासरत में खुदा कुछ नया उत्पन्न करने जा रहा है। आइए दुआ करें। खुदावंद यीशु मसीह, हम आपके शुक्रगुजार हैं कि प्रभु आज आप हमारे बीच में हैं, हमारे बीच में आपकी उपस्थिति है, आपका कलाम हमने सुना है। परमेश्वर पिता, मुझे नहीं पता कितने लोगों के जीवन में ऐसा ही नासरत है कि आज भी नतैनल जैसे लोग उन्हें देख रहे हैं और कह रहे हैं क्या इस नासरत में कोई अच्छी वस्तु उत्पन्न हो सकती है। मैं विश्वास करता हूँ चाहे यीशु मसीह एक बढ़ई के खानदान से क्यों ना आया हो, मुझे नहीं पता आपका खानदान क्या कहता है, मुझे नहीं पता आप किस जाति से, किस जगह से इस वचन को सुन रहे हैं, बट आई बिलीव चाहे आप किसी भी कुल के हों, चाहे आप किसी भी जनरेशन के हों, चाहे आपका बैकग्राउंड कितना भी ख़राब क्यों ना रहा हो, पर अगर परमेश्वर पर आपने अपनी निगाहें लगा ली हैं, अगर आप उस परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर चुके हैं, अगर आप उसके वचनों के अनुसार चलने की तैयारी कर चुके हैं, खुदा इस नासरत में कुछ नया और अच्छा उत्पन्न करने जा रहा है। हालेलुया। विश्वास करें इस वचन पर और मैं यकीन करता हूँ आपकी परिस्थितियाँ बदल जाएंगी। हालेलुया। खुदा पर तवक्कुल करें, उसकी ओर देखें, क्योंकि वो एक ऐसा पर्वत है जहाँ से हमारी सहायता आती है। प्रभु जी, हर एक सुनने वाले पर तेरा अनुग्रह हो। प्रभु, जो लोग आज तेरे वचन के अनुसार अपने आप को तेरे लिए सरेंडर कर रहे हैं, उनको प्रभु जी तू अपनी भलाइयाँ दिखा। सब कुछ हम आपके हाथों में देते हैं, यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष दे। धन्यवाद देते हैं हमारे साथ इस समय इबादत करने के लिए। आइए, समय होगा कि हम अपने नजरानों के द्वारा, अपने दसवांशों के द्वारा खुदावंत की महिमा करेंगे और अपनी भेंटों को अर्पण करेंगे। स्क्रीन पर दिए गए अकाउंट डिटेल्स पर आप अपनी बेस्ट ऑफरिंग्स को, टाइट्स को भेज सकते हैं, और जो कुछ खुदा ने आपके दिल में आज डाला है आप आनंद पूर्वक इस काम को करें, यकीनन खुदा आपको बहुतायत से बरकत देगा। जब ये गीत हो रहा है आपके पास मौका है कि हम इस अद्भुत कार्य को कर सकें। गॉड ब्लेस यू। तू ही मेरी प्रार्थनाओं का है जवाब, प्रेज द लॉर्ड।
आइए परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे इन सब नजरानों के लिए और खुदावन से मदद मांगेंगे। प्यारे खुदा बाप, हम दुआ करते हैं उन सब भेंटों के लिए, नजरानों के लिए जो तेरे लोग बो रहे हैं, जिन्होंने बोया है, हर एक को तू बहुतायत से बरकत दे। मैं विश्वास करता हूँ उस बच्चे की तरह प्रभु, जिसके पास बहुत ज़्यादा नहीं था, पर प्रभु वो अपनी 5 रोटी 2 मछली को लेकर आया और प्रभु उसने तेरे सम्मुख अर्पण करी, तूने धन्यवाद दिया और एक बड़ी भीड़ ने उससे खा लिया। मुझे नहीं पता आज जो नजराना ये दे रहे हैं प्रभु जी, इस नजराने को जब हम तेरे राज्य के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसके द्वारा कितनी बड़ी भीड़ तेरा वचन खाएगी हमें नहीं पता, पर मैं विश्वास करता हूँ जब वो परोसा जाएगा तो बहुत से परिवार तेरे द्वारा बचाए जाएंगे। खुद बाप अनुग्रह कर ताकि ये धन तेरे कार्यों में प्रभु जी, तेरे राज्य के विस्तार में इस्तेमाल होने पाए और उसकी बरकत इन सब खानदानों में बनी रहे। यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष दे, धन्यवाद देते हैं आप सबकी प्रार्थनाओं के लिए। सचिन भैया लास्ट वीक से पहले ही अपने घर आ चुके थे और हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने उन्हें अच्छा रखा है। थोड़ा वीकनेस है उनको इस समय, तो ज़रूर से उनके लिए दुआ करते रहिएगा कि वो जल्दी ठीक हो जाएं। अनीता दीदी के लिए, शिवा के लिए प्रार्थना करिएगा, उनको कोविड इन्फेक्शन हुआ है और अनीता दीदी की तबीयत ज़्यादा ख़राब है, उनको हार्ट बीट लो आ रही है, तो उनके लिए बहुत प्रार्थना करिएगा क्योंकि उनका इन्फेक्शन थोड़ा ज़्यादा है। मैं विश्वास करता हूँ कि दोनों को प्रभु रिहाई देंगे, जिस तरह प्रभु ने बहुत से लोगों की प्रार्थनाओं को सुना और हमारी कलीसिया में बहुत सारे लोगों को प्रभु ने छुड़ाया इस कोविड के समय में, उसी तरह प्रभु इनके जीवन पर भी अनुग्रह करेगा। जितने भी प्रार्थना योद्धा हैं जो कंटिन्यू प्रार्थना कर रहे हैं, आई अप्रिशिएट यू। इसी तरह प्रार्थना करते रहें और आपकी प्रार्थनाओं के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। खबरें आ रही हैं कि जल्दी लॉकडाउन हटेगा और चीज़ें ओपन हो रही हैं, होपफुली बहुत जल्द हम लोग कलीसियाओं में मुलाकात करेंगे। बट टिल द टाइम, जब तक हम लोग अभी कलीसिया में जमा नहीं हो रहे हैं, इस हफ्ते हम लोग मिड वीक इबादत करेंगे। वेडनेसडे को शाम को 7 बजे हम लोग आराधना करेंगे, तो वेडनेसडे को ज़रूर से इबादत में मौजूद रहिएगा और लिंक आपको ट्यूसडे को मिल जाएगा और लोगों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि अधिक से अधिक लोग इस इबादत में शरीक हो सकें, वचनों की द्वारा तालीम हासिल कर सकें, खुदा में बढ़ते रहें। सो गॉड ब्लेस यू एवरीवन। आइए मिलकर हम प्रभु की सिखाई हुई प्रार्थना एक साथ बोले और आखिरी आशीष से रुखसत हों। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, जिससे हम अपराधों को क्षमा करते हैं, तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, हमें परीक्षा में ना पड़ने दे परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य पराक्रम और महिमा अब सर्वदा तेरे ही हैं, आमीन। और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पवित्र आत्मा की सहभागिता हमें से हरेक के साथ अब तक होती रहे, आमीन। प्रेज लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष दे। हैव अ ब्लेसिड डे अहेड। सी यू इन मिड वीक सर्विस।